हेलो किड्स होप ऑल ऑफ अस आर डूइंग गुड नो द टॉपिक फॉर टुडे इज कोल एंड पेट्रोलियम एंड द की एलिमेंट्स दैट वी विल स्टडी आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स कोल दैट इज कोक कोल टार कोल गैस देन पेट्रोलियम नेचुरल गैस ग्लोबल वार्मिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोगैस हमारे आस जो लाइफ पॉसिबल है वो क्यों है क्योंकि अर्थ पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये सॉलिड लिक्विड और गैस के फॉर्म में हैं जो एयर जिससे हम सांस लेते हैं वो गैस है पानी लिक्विड है जो हम पीते हैं और सनलाइट। ये सब क्या हैं ये नेचुरल रिसोर्स हैं इसी तरह से अलग अलग तरह के प्लांट्स एनिमल्स फिर फ्यूल्स जैसे कि कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस Metals, minerals, soil, these are natural resources. Hai. So, let us perform the following activity to understand what we get from nature and what is man made. In a column, name the various things we use in our daily life and identify whether they are from natural resources or are man made. Now, let's come to the natural resources. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी पहला है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो रिसोर्स हमारे आसपास अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर में और ह्यूमन एक्टिविटीज से वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगा उसको कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एग्जाम्पल सनलाइट वाटर एयर सॉइल एट्सट्रा अब आता है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ये वो रिसोर्स हैं जिनको हम जिस रेट पे कंज्यूम करते हैं उस रेट पे ये नेचर में रिप्लेनिश नहीं होते और हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से ये फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं ऐसे रिसोर्स को कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एग्ज़ाम्पल्स हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फसल फ्यूल्स सो लेटेज़ बिगिन विद द फसल फ्यूल्स ये वो वाले फ्यूल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो होते हैं वो अगर अर्थ के नीचे बहुत गहराई में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहें तो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये जो रिसोर्स है फॉसिल फ्यूल्स ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं अब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम एरोप्लेन्स और रॉकेट से लेकर कार जो रोड पे चलती है उन सबको पावर दे सकते हैं कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये प्राइमरी फॉसिल फ्यूएल्स हैं ये अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड में होते हैं और इनको जो निकालने का एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है उसको माइनिंग कहते हैं अब वॉट इज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूएल्स अगर आप किसी फ्यूएल का वन किलोग्राम ले करके उसको प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे जब वो कम्प्लीटली अप होगा तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसमें से निकलेगी वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है हम इसको जनरली किलो जूल्स पर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्यूल्स आर गिवन हियर लाइक बायोगैस देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज 35 फाइव टू फोर्टी किलो जूल्स पर ग्राम एंड देर सोर्स इज ऑर्गेनिक मैटर इसी तरह से चारकोल की थर्टी है सोर्स है फॉसल्स कोल की 25 से 33 है अगेन इसका सोर्स क्या है फॉसिल्स। काओ केक्स इसकी 17 टू 22 है और इसका सोर्स क्या है काओ कोक जो है इसकी वैल्यू है 33 और इसका सोर्स है फॉसिल्स। सिमिलरली सी की वैल्यू है 55 और सोर्स है फॉसिल्स। हाइड्रोजन की है 150 फिफ्टी सोर्स है एटमोसफेयर केरोसिन की 48 है और सोर्स है फॉसिल्स एल की 50 है सोर्स अगेन फॉसिल्स फिर मीथेन इसकी 55 है और सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर पेट्रोल की जो वैल्यू है वो है 47 और सोर्स है फॉसिल्स और वुड की है सेवन सोर्स है ट्रीज नाउ अस लुक एट व्हाट इज दी इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई फ्यूल जो है बर्न करता है उस मिनिमम टेम्परेचर को कहा जाता है उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे जो वो वाला सब्सटेंस या फ्यूल है वो बड़ी इजीली फायर कैच कर लेता है टू स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर टेक अ पेपर कप वाटर एंड गैस स्टोव पुट वाटर इन द पेपर कप पुट द पेपर कप ओवर द फ्लेम यू विल नोटिस दैट द वॉटर विल बिकम हॉट बट द कप विल नॉट बर्न नाउ द पेपर कप डज नॉट बर्न बिकॉज द वॉटर टेक्स हीट अवे फ्राम द कप एंड एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस फॉल्स बिलो द इग्निशन टेम्परेचर नाउ वी कम टू कोल कोल यानि कोयला ये सबसे पहले यूज किए जाने वाला फॉस्टल फ्यूल है ये हार्ड और ब्लैक कलर का होता है ये अर्थ में बहुत डीप में गहराई में मिलता है और माइनिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया में जो कोल माइंस हैं वो बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं कोल जो है ये हाईली कम्बस्टेबल सब्सटेंस है ये बड़ी जल्दी जल जा जाता है क्योंकि ये मेनली कार्बन आटम से बनता है लेकिन इसके अंदर कभी कभी कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर कोयला या कोल बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है पहला है एंथ्रासाइड ये सबसे ज़्यादा हार्ड कोयला या कोल है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन कंटेंट है और ये जब जलता है तो इसकी क्लीन हॉट स्टेडी फ्लेम होती है इसके लिए ये घरों में या इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह यूज़ होता है नेक्स्ट हमारा आता है लिग्नाइट ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कोल या कोयला है इसका कार्बन कॉन्टेंट सबसे कम है इन तीनों में और तीसरा आता है विटामिनस ये ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है जो कार्बन कॉन्टेंट है वो एंथ्रासाइट और लिग्नाइट के बीच में है नाउ लेटेस्ट लुक एट द यूज ऑफ कोल कोल को घर में फ्यूल की तरह कुकिंग या हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इन प्लांट्स में बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी को कोल से हीट किया जाता है जिससे कि स्टीम निकलती है ये स्टीम निकल के टर्बाइन को रन करती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल इज प्रोसेस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टू गेट सेवरल अदर प्रोडक्ट्स लाइक कोक कोल्टा कोल गैस एक्सेट्रा सो लेट अस सी हाउ कोल इज फॉर्म्ड एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो आजकल का कोल का डिपॉजिट है इसको बनने में तीन मिलियन साल लगे उस टाइम पे हमारे प्लानट के ऊपर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे तो किसी नेचुरल कलामिटी जैसे कि फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया इसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो हैं ये सॉइल के नीचे दब गए और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसके ऊपर और सॉइल की लेयर्स इनको कवर करती गई अब हुआ क्या कि ये और ज़्यादा नीचे कंप्रेस होते गए ये इतना नीचे दब गए कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे लिगनाइट कोल में कन्वर्ट हो गए तो जो लिग्नाइट कोल है जब वो और ज़्यादा नीचे दबा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो वो और ज़्यादा हार्ड हो गया और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट हो गया जो कि हमारा एंथ्रासाइट कोल है तो जो कोल है उसको प्रोसेस करके हमें बड़े सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोक कोल्टार और कोल गैस मिलते हैं सो लेट अस लुक एट कोक जब कच्चे कोयले को या रॉ कोल को आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अवन में हीट करते हैं एयर की एबसेंस में तब एक वॉलेटाइल सब्सटेंस जो कोल में प्रेजेंट होता है वो हट जाता है रिमूव हो जाता है और जो पीछे बचता है वो है कोक कोक जो है ये एक क्लीन और लाइट फ्यूल है इसमें 90 परसेंट से ज़्यादा कार्बन है और ये पोरस होता है और काला होता है अपीयरेंस में जिस प्रोसेस से कोक हमें कोल से मिलता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ये जो है इसमें बहुत जो कोक है इससे बहुत ज्यादा धुआं नहीं उठता इसलिए इसको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में या फिर किसी जो मेटल के एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्रीज हैं वहां पे नाउ लेट लुक एट टार कोल के जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है तो उसके कुछ कुछ वॉलेटाइल जो हैं वो हमें उसमें से मिलते हैं इन सब्सटेंसेस को जब हम कंडेंस करते हैं तो एक जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है वो थिक डार्क लिक्विड के फॉर्म में होता है जिसकी बड़ी गंदी स्मेल होती है इसको कहते हैं कोल टार इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट केमिकल्स विच आर ओबेन्ड ऑन फर्दर डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार अब जो कोल टार है इसको यूज़ करते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन में इसके अलावा जो सिंथेटिक डाइज बनती हैं ड्रग्स बनते हैं एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स या प्लास्टिक पेंट फोटोग्राफिक मटेरियल की इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं जो नैफेलिन बॉल्स हैं जिनको जिनसे कि हम मौत को रिपेल करते हैं ताकि हमारे वूलन कपड़े सर्दियों के कपड़े बचे रहें वो भी हमें कोलटार से ही मिलते हैं

So, coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Now, coal gas is more used as a source of heat rather than light. Now, let us look at petroleum. अब हमारे आसपास जितने भी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं जैसे कि बसेस कार स्कूटर्स मोटर बाइक्स एक्सेट्रा इन सब में पेट्रोलियम डलता है जिसके वजह से वो चलते हैं और हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं सभी व्हीकल्स को या डीजल या पेट्रोल चाहिए एज फ्यूल सो दीज फ्यूल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर फॉसिल फ्यूल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इट इज अ डार्क कलर्ड विस्कस, फाउल स्मेलिंग एंड फ्लेमेबल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्स विद ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स इन वेरिंग प्रपोर्शन नाउ लेट लेटस सी हाउ पेट्रोल इज फॉर्म्ड माना जाता है कि जो सी ऑर्गेनिजम्स जब डी हुए तब पेट्रोलियम बना और ये वाले सी ऑर्गेनिज़म्स मिलियंस ऑफ़ ईयर्स पहले रहते थे और डी के हुए सी बेड्स के अंदर जब ये ऑर्गेनिज़म्स मरे तो इनकी बॉडी जो है सी के बॉटम तक सिंक कर गई और इनके ऊपर सैंड और मड की अलग अलग परतें जमनी शुरू हो गई तो जब ये सी ऑर्गेनिज़म्स डी हुए तो ग्रेजुअली हीट और प्रेशर के इफ़ेक्ट से और एनारोबिक बैक्टीरिया के एक्शन से ये पेट्रोल और या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए नाउ लेट अस लुक एट एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो अंडरग्राउंड पेट्रोलियम है ये दो नॉन पोरस रॉक्स की लेयर्स के बीच में होता है एंड यूजुअली सी के बेड में या सी के अंदर होता है लैटिन वर्ड में पेट्रो का मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब है ऑयल सो पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल इसको होल्स ड्रिल करके रॉक्स में होल्स ड्रिल करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन होल्स को ऑयल वेल्स कहा जाता है इन वेल्स की डेप्थ जो है सिक्स माइल्स अर्थ के सरफेस से नीचे होती है पेट्रोलियम को इन ऑयल वेल्स से जो ऑयल कंपनीज हैं वो स्पेशल मशीन्स इंस्टॉल करके पंप आउट करती हैं लेट अस नाउ लुक एट पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो सॉलिड लिक्विड और गैशियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और इसमें सॉल्ट रॉक पार्टिकल्स और पानी के भी ट्रेसेस हैं तो इनको अलग करना ज़रूरी है इसको क्रूड फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता तो इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो अलग करने का तरीका है उसको कहते हैं रिफाइनिंग ये प्रोसेस जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है इससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल कैरोसिन लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स ये सब मटेरियल्स मिलते हैं और इनको जो सेपरेट किया जाता है इन चीज़ों के अलग अलग बॉयलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स के बेसिस पे अलग किया जाता है सो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डन इन लार्ज प्लांट्स कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरीज नाउ लेटेस्ट लुक एट दी यूजेस ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम जो है एक फ्यूल है और इसके यूजेस जो मेन इसका यूज है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना दूसरा है कि जब आप फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स डिटर्जेंट्स फोटोग्राफिक फिल्म फर्नीचर के लिए पॉलिश या फिर शू के लिए पॉलिश ये सारी चीज़ें बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं क्योंकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है जो केमिकल कंपाउंड्स हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स इनसे बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि प्लास्टिक एस्फिल जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में काम आता है सिंथेटिक रबर जिससे कि टायर्स और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिएस्टर नाइलन एंड एक्रेलिक इसके जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं पेट्रोलियम के वो इस टेबल में दिए गए हैं और उनके यूजेस क्या हैं जैसे कि पेट्रोलियम गैस जिसको एल कहते हैं इसको हम यूज करते हैं एज कुकिंग गैस पेट्रोल को हम यूज़ करते, है, करते हैं ऑटोमोबाइल फ्यूल एविएशन फ्यूल और ड्राई क्लीनिंग के लिए सिमिलरली केरोसिन को हम यूज करते हैं एज फ्यूल फॉर जेट्स लाइटिंग लैम्प्स एंड स्टोव्स डीजल यूज होता है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स में और जनरेटर्स में लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है लुब्रिक फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन पार्ट्स

जो नेचुरल गैस है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है यूजुअली ये पेट्रोलियम की सरफेस के जस्ट ऊपर डिपॉजिट होता है अर्थ के बहुत नीचे लेकिन कभी कभी ये बिना पेट्रोलियम के भी इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं क्रूड फॉर्म में जो नेचुरल गैस है ये बहुत सारी अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है इसके जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन जो कि बड़ी इजीली आग पकड़ता है इसलिए इसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन आसाम त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड द कावेरी बेसिन ऐसा कहा जाता है कि जो पेट्रोलियम और कोल डिपॉजिट थे उनके ऊपर जब एनारोबिक बैक्टीरिया ने एक्ट करा और उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई तब नेचुरल गैस बननी शुरू हुई नेचुरल गैस जो है वो बड़ी इजीली एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है जलती है और हीट की बहुत ज़्यादा अमाउंट ये रिलीज़ करती है इसकी वजह से ये बहुत एक एक्सलेंट फ्यूल है जो घरों में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है अब ये जो नेचुरल गैस है ये जलती है तो धुआं नहीं उठता और इससे ऐश एज रेजिड्यू बचता नहीं है तो जो नेचुरल गैस है ये हमें ओशन बेड से मिलती है और बड़े ईजीली वहाँ से पाइप्स के थ्रू अलग अलग जगह लंबे डिस्टेंसेस तक इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इनको बड़े हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और जब इनको ऐसे स्टोर किया जाता है तो इनको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारी सी है अब डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पजेस में जो ये हमें गैस अगर सीधा डायरेक्टली पाइप के थ्रू सप्लाई होती है तो इसको हम कहते हैं पाइप नेचुरल गैस या फिर पी इंडिया में करेंटली पी जो है बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली मुंबई वडोदरा में सप्लाई होती है नाउ लेट अस लुक एट दी यूजेस ऑफ नेचुरल गैस क्योंकि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये कम पोल्यूशन फैलाता है उससे ज़्यादा क्लीन है तो बड़े सारे ऑटोमोबील्स में पावर जनरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं फिर घरों में कुकिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं और कमर्शली फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है नेचुरल गैस जो है ये हाइड्रोजन गैस का सोर्स है इसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में जैसे कि यूरिया और इनसे हम कार्बन बनाते हैं जो कि रबर इंडस्ट्री में यूज होता है नाउ लेट अस लुक एट ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन दी एनवायरनमेंट हमारी एग्जिस्टेंस नेचर के अलग अलग रिसोर्स पर डिपेंड करती है अब वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है उस हिसाब से जो फॉसिल फ्यूल हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और इतने ज़्यादा कंजम्पशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है एटमोस्फेयर में वो इनक्रीज हो रहा है इसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग अब क्योंकि डेड प्लांट्स ऑफ इयर्स लेते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में तो इसके लिए अगर ये फ्यूल ख़त्म हो जाए तो इसको इतना जल्दी हम रिप्लेस नहीं कर सकते अगर हम इसको इतना केयरलेसली यूज़ करेंगे एक तो ये ख़त्म हो जाएंगे जल्दी और दूसरे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा तो फॉसिल फ़्यूल्स जो हैं वो बड़े केयरफुली यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं ये बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग होने का नुकसान क्या है कि जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं उसके वजह से जो कोस्टल रीजनस हैं उनमें फ्लड्स आ रहे हैं ऑल्सो बड़ी सारी हार्मफुल गैसेस जैसे कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जब वाटर वेपर के साथ एटमोसफेयर में कंबाइन होती हैं तो दो हार्मफुल एसिड्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड acid. यही एसिड्स बारिश के साथ जब नीचे गिरते हैं तो एसिड रेन कहलाते हैं एसिड रेन से पेड़ वाइल्ड लाइफ और जो मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं इनको डैमेज पहुंचता है फिर इनसे जो लेक का पानी है वो भी पॉइजनस हो जाता है और उस पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है तो ग्रेजुअली क्या है कि किसी ना किसी फूड चेन पे इनका गलत असर पड़ता है ना लेटस लुक एट कंज़र्वेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स अब क्योंकि हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना इन रिसोर्सेज के हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती इसके लिए हमारी कंट्री में पी यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन फॉर्म हुई जो लोगों को एडवाइज करती है कि फ्यूल को कैसे बचाया जा सके कम यूज़ किया जा सके या कैसे एफिशिएंटली उसको यूज़ किया जा सके तो अगर आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उसको बहुत तेज़ी से स्टार्ट करना या एकदम से सडन ब्रेक लगाना अवॉइड करें अगर आप ट्रैफिक लाइट पे ज़्यादा देर तक खड़े हैं तो इंजन को बंद कर दीजिए अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं एक तो आपको बेटर माइलेज मिलती है और पोल्यूशन कम होती है फिर जो नज़दीक के डिस्टेंसेज हैं वहाँ पे तो चल के या साइकिल के थ्रू जाया जा सकता है इससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होता है और खुद भी फिट रहते हैं और एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि टायर में जो प्रेशर है वो सही हो उससे व्हीकल हमारे ढंग से चलते हैं डू यू नो दैट देर इज़ एन एक्सपायरी डेट ऑफ एल पी जी सिलेंडर्स यस एल पी जी सिलेंडर हैव अ फिजिकल लाइफ एवरी सिलेंडर हैज थ्री स्टेम्स ऑन इट्स अपर पार्ट ऑन वन ऑफ द थ्री साइड स्टेम्स ऑफ द सिलेंडर द एक्सपायरी डेट इज कोडेड अल्फ़ा न्यूमेरिकली जो पहले कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेट ए बी सी या फिर डी हैं उनका मतलब है कि ईयर के कौन से क्वार्टर में ये सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर हुए थे जैसे कि ए फॉर मार्च दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर बी फॉर जून सेकेंड क्वार्टर सी फॉर सेप्टेम्बर थर्ड क्वार्टर एंड डी फॉर डिसम्बर फोर्थ क्वार्टर ये अल्फाबेट्स के बाद दो डिजिट दिए होते हैं जो उसकी एक्सपायरी का ईयर बोलते हैं तो अगर कोड है ए ट्वेंटी फाइव इसका मतलब है कि मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में ये एल पी जी सिलेंडर जो है तभी तक सिर्फ वैलिड है उसके बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए नाउ लेटर्स लुक एट बायोगैस विच इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अभी तक हमने देखा कि मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस इनको हम यूज करते हैं ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं लेकिन क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में इनका स्टॉक है इसलिए हमें नीड है कि हम एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढें बायोगैस ऐसा एक सोर्स है बायोगैस कैसे मिलता है जो कैटल डंग या डोमेस्टिक सीवेज है वहां पे एयर की एब्सेंस में जब एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तब ये गैस बनती है ये फर्मेंटेशन जो है अंडरग्राउंड टैंक में होती है जो कि ब्रिक से बने होते हैं और इन टैंक्स को कहते हैं डाइजेस्टर कैटल डंग और पानी का एक मिक्सचर तैयार करा जाता है जिसे स्लरी कहते हैं उसको डाइजेस्टर में डालते हैं इन पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो अपना एक्शन करते हैं तो बायोगैस फॉर्म होती है इस गैस को एक गैस होल्डर में कलेक्ट किया जाता है या वहीं पे कलेक्ट हो जाती है ये गैस होल्डर जो है स्टील का बना है और स्लरी के ऊपर प्लेस्ड होता है तो होल्डर ऊपर चलता है या ऊपर की तरफ मूव करता है जब गैस कलेक्ट होती है और जब उसमें से गैस निकाल लेते हैं तो वो वापस नीचे आ जाता है और पाइप के थ्रू ये गैस को बाहर निकाल लिया जाता है जो बायोगैस है ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है लेकिन इसका जो एक मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन मीथेन जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म होते हैं और ये जब कंप्लीटली बर्न करता है या जल जाता है तो नीचे कोई कार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़ता या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस करता इसी वजह से ये ज़्यादा क्लीनर और सेफ फ्यूल है अब जो डाइजेस्टर में बाकी का रेजिड्यू रह जाता है बायोगैस बनने के बाद उसको फार्म्स में या फील्ड्स में मैन्योर यानी कि खाद की तरह यूज़ किया जाता है बायोगैस इंडिया के रूरल एरियाज में बहुत इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पे काओ डंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंडियाज फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन आसाम इन दिग और बॉम्बे हाई हैज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑयल फील्ड A domestic gas cylinder contains about 14.8 kilograms of LPG. Now, let us look at the key takeaways of this chapter. Materials which are provided by nature are called natural resources. On the basis of availability, natural resources are classified into two categories inexhaustible and exhaustible natural resources. The fuels produced from the remains of plants and animals. Buried under the earth millions of years ago are called fossil fuels. Calorific value of a fuel is the amount of heat energy produced when one kilogram of the fuel is completely burnt in the presence of oxygen. Coal is one of the earliest used fossil fuels. The process of obtaining coke from coal is called destructive distillation of coal. The process of separating different constituents of petroleum is called refining. Biogas is obtained by the anaerobic fermentation of cattle dung and domestic sewage. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will be easy now.